नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत और एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल देविका एंड बारबी ब्लॉग में। मैं देविका डिमापुर नागालैंड से लेके आई हूँ और एक न्यू वीडियो। और वीडियो का कैप्शन और थंबनेल देख के जान ही गए होंगे, यस आज है संडे और जन्माष्टमी स्पेशल। ये आर्ट कंपटीशन जो ऑर्गेनाइज किया था, ये ऑर्गेनाइज किया था हिंदू सेवा समिति के तरफ से। ये एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है जो जिन्होंने दिस ईयर आर्ट कंपटीशन तो ऑर्गेनाइज़ किया था, ये एवरी ईयर ही करता है, और झूला कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज़ किया था। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत बहुत सुंदर सुंदर झूला, और हनुमान चालीसा कंपटीशन भी उन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था जो कि आप देख रहे हैं। ये बहुत ही अच्छे से हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं। ये कंपटीशन था, जजेस सामने बैठा हुआ था, देख सकते हैं आप लोग। और जो आप लोग झूला आगे देखेंगे, जो झूला दिखाऊंगी, उस वो सब झूला लेडीज लोगों ने बनाया था और स्टूडेंट्स लोगों ने भी बनाया था। और वो जो झूला कंपटीशन का जजमेंट, वो मैं थी और भी जजेस था, तो मैं बैठी हुई थी जजमेंट करने के लिए झूला कंपटीशन का। अभी तो हनुमान चालीसा ही चल रहा था, कंपटीशन चल रहा था, तो फिर देखे हम लोग झूला वन बाय वन, एक से बढ़कर एक झूला था वहाँ पे। बहुत ही अच्छे से किया था स्टूडेंट्स लोगों ने झूला, सब 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 बहुत ही अच्छा था सब। देखिए काम, कोई तो एकदम होममेड था कोई कोई झूला, और कोई कोई तो कुछ थोड़ा बहुत बाहर से ख़रीदा हुआ था, मीन्स मटेरियल्स जो यूज़ किया बाहर से ख़रीदा हुआ था। बट कोई कोई झूला तो ऐसा था कि सब कुछ होममेड था। बहुत बहुत अच्छा लगा था, मतलब डिसीजन लेना बहुत टफ था कि किसको मतलब कैसा मार्क्स दी, मतलब बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। सब का काम बहुत अच्छे से बनाया उन लोगों ने, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को इनमें से कौन सा झूला ज़्यादा अच्छा लगा आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जो झूला इन लोगों का है, जिन लोगों ने ये झूला बनाया है, उन लोगों को भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग नाम मेंशन करेंगे कमेंट में तो। और आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं वो भी ज़रूर लिखिएगा आप लोगों के वहाँ पे ऐसा सेलिब्रेट होता है कि नहीं जन्माष्टमी, ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे फोटो सेशन हो रहा था, जो भी जजेस था, जो कि मैं थी झूला कंपटीशन का जजेस, और भी था फाल्गुनी मैम, कमल सर, और भी रेलवे स्कूल जो है उनका उस स्कूल का प्रिंसिपल था, सर सुदीप था, तो सबको ऐसे फ़ोटोशूट के लिए बुलाया गया था। उसके बाद हम लोग डिस्कशन किया, ग्रुप डिस्कशन हो रहा था कि कंपटीशन का जो क्राइटेरिया कैसा होगा, तो उस बारे में डिस्कशन करके उसके बाद गए फाइनली जजमेंट करने के लिए, जो कि बहुत ही टफ था बिकॉज सब ने बहुत अच्छे से किया था, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है बहुत अच्छे से किया था, तो किसी को भी कम मार्क्स देने का मन ही नहीं कर रहा था। तो फिर भी देना तो पड़ेगा ही बिकॉज ये कंपटीशन है, सबको तो सेम नहीं मिल सकता है। तो बहुत टाइम लग गया एक्चुअली, वन बाय वन चेक करना था और मार्क्स देना था, तो क्राइटेरिया के हिसाब से मार्क्स देना था, तो टाइम लगा, बट एंजॉय बहुत किया, बहुत अच्छा लगा उन लोगों का काम देख के। और ये जो साथ में मेरा देख रहे हैं, तो सर सुदीप ने मुझे उनको एज असिस्टेंट दिया था, वो मुझे हवा भी कर रहा था, बहुत गर्मी लग रहा था, इसलिए ऐसे सब जजेस के वन वन असिस्टेंट दिया था। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छे से बात कर रहा था, और कुछ चाहिए होगा तो इसलिए हेल्प के लिए थैंक यू सो मच इतना अच्छे से ट्रीट करने के लिए। और बहुत रात हो चुका था, अराउंड 8:45 के बाद फिर हम घर पे आए, आ गए हैं अभी घर। तो आते आते एक्चुअली 8:45 हो गया था, 8:30 तक चला जजमेंट, बहुत ही टफ था क्योंकि सबने इतना अच्छे से बनाया था, सभी ने एक से बढ़कर एक वर्क था, तो मार्किंग करना बहुत ही मतलब मुश्किल था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। बहुत ही अच्छे से किया था हमारे बंगाली जो लेडीज़ है, ज़्यादातर लेडीज़ है, एंड स्टूडेंट्स ने भी बनाया था, स्टूडेंट्स का भी वर्क्स था बहुत सारा, तो बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हिंदू सेवा समिति के तरफ से जो इतना अच्छा कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। ये फर्स्ट टाइम हुआ था, ये जो मतलब पार्ट था, ये जो मतलब पा क्या बने
এটা কি কয় ঝুলনা রে দুলনা কয় রে আবার নাই নাই সুইং যে রাধা কৃষ্ণ যে ঝুলতে হ্যাঁ ও যে ও বানায়া থা জন্মাষ্টমী হ্যাঁ অভি ये जन्माष्टमी के लिए जो ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था बहुत ही अच्छा था, तो मुझे अच्छा लगा अभी आके और हमें इनवाइट भी किया था किया है, इनविटेशन कार्ड दिया है, तो इनविटेशन कार्ड मिल गया और लिखा हुआ है डेट उठ कब और बोला भी कि सितंबर 1 में है डेट, सितंबर 1 में हम लोगों को इनवाइट किया है, जाना है। उस दिन भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी, आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। प्रोग्राम बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, रिजल्ट डिक्लेरेशन आज जो कंपटीशन हुआ है सबका रिजल्ट डिक्लेरेशन उस दिन ही होगा, बहुत अच्छा लगेगा। और अभी अभी क्या करना है, अभी आर्ट ही करना है क्योंकि मुझे आर्ट करना बहुत पसंद है। अभी मैं फिर से आर्ट करूंगी और आप लोगों को अभी तक भी जो जिसको नहीं पता, एक्चुअली पता कैसे होगा, मैंने बताया ही नहीं, मैंने जो न्यू पेज खोला है फेसबुक में देविका एंड बार्बी ब्लॉग, यूट्यूब में अभी नहीं दिया है। यूट्यूब का चैनल का नाम मेरा हस्बैंड सोच रहा है, मैंने बहुत दिन पहले लास्ट बताया था कि मैं एक चैनल खोलूंगी, आप लोगों से राय भी मांगा था चैनल के नाम बताने का, बट आप लोगों ने तो बोला ही नहीं, तो मैं उस चैनल में ऐड करने वाली हूँ स्टोरी, क्योंकि मुझे स्टोरी बोलना बहुत 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 पसंद है। और लास्ट मैंने कल ही अपलोड किया था एक स्टोरी, फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था, तो उसका अभी व्यूज चल रहा है 2. कितना के ऐसा चल रहा है, मतलब बहुत अच्छा व्यूज आया है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम दिया था ऐसा वीडियो स्टोरी का वीडियो। तो यूट्यूब चैनल भी बनाऊंगी, तो आप लोगों के नजर में कोई अच्छा ऐसा नाम है आप लोग मुझे प्लीज सजेस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, बाय बाय।